के संकट में जहां पूरा देश लॉकडाउन के जरिए घरों में बंद है, वहीं देश के कुछ बच्चे विदेशों में फंस गए हैं। सूरत से यूएस गए हुए कुछ बच्चे हैं जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्ट्रीम्स में कोर्स करने गए थे। अमेरिका में कोरोना के चलते हालात भयावह है होने के बाद अधिकांश यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। अब इन बच्चों ने सरकार से, भारत की सरकार से मदद मांगी है और अपील की है कि उन्हें वहां से वापस बुलाया जाए। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है डे बाय डे, और लास्ट क्योंकि मैं फुल टाइम वर्कर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ पार्ट टाइम वर्कर। ड्यू टू दैट रीजन द होटल इज नॉट एबल टू पे मी, और मेरी बस एक ही विनती है, होटल मुझे खाना तो प्रोवाइड कर रही है और वो भी वो लोग कोल्ड फूड प्रोवाइड कर रही है, पर हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और हमारी यहाँ अभी सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। आपने देखा होगा न्यूज में कि यूएसए सबसे पहले चल रहा है अभी कोरोना वायरस केसेस में, और अराउंड 350,000 केसेस ऑलरेडी इधर हो चुके हैं, और हमें भी हमारे घर से दूर रहने में इतना सेफ नहीं लगता इधर, और हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचा दिया जाए। गया अमेरिका 9 महीना हो गए, इंटर्नशिप के लिए गया था, अभी 25 दिन से लॉकडाउन है, जॉब वगैरह कुछ है नहीं उसको वहाँ पर, और खाने की रहने की सब दिक्कत हो रही है, जो सेविंग उसका थोड़ा बहुत था वो भी सब खत्म हो गया है। अभी फ्लाइट बंद हो गए इंडिया की, तो जितना हो सके जल्दी उसको यहाँ लाने का, सब कंट्री वुहान से, इटली से, ईरान से सब स्टूडेंट को यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट लाई है, तो यूएस से भी इंडियन स्टूडेंट को लाए, ऐसी गवर्नमेंट से दरखास्त है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।